बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको सलाम अलैकुम। मैं आज अपना क्लोजेट चेक कर रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई स्वीट फ्रेग्रेंस लगाऊं, तो क्लोजेट के अंदर परफ्यूम सारे बिखरे हुए पड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया कि अपनी तमाम स्वीट फ्रेग्रेंसेस को ना एक जगह इकट्ठा किया और फिर उनमें से सेलेक्ट किया कि मैं कौन सी फ्रेग्रेंस आज लगाऊंगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरा सेंट ऑफ द डे कौन सा है, मैंने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई। तो साथ मैंने ये भी सोचा कि ये लिस्ट की एक ना वीडियो बना लेता हूँ। ये वीडियो मेरे अपने काम भी आएगी फ्यूचर में, मुझे अगर, जाहिर बात है आपके परफ्यूम्स इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन फिलहाल तक मेरे पास ये स्वीट फ्रेग्रेंसेस हैं और ये लिस्ट मेरे अपने भी काम आएगी और आप लोगों के भी काम आ जाएगी कि मेरी कलेक्शन में ये जो है ना वो स्वीट फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं। तो जल्दी से इस लिस्ट की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज एडवांस में बताता चलूं, कोई हार्ड रूल नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस अच्छी है, ये फ्रेग्रेंस नंबर 10 है, 9 है, 8 है, ये टोटल। लेकिन एक चीज है कि ये कुछ बहुत ज्यादा महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी हैं, बहुत ज्यादा सस्ती भी हैं, ठीक है। मैं साथ साथ इनकी प्राइस बताऊंगा आप लोगों को, उससे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा तो ये आपके लिए भी खरीदने में आसानी होगी। जिनके तो रिव्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है मैं बताता जाऊंगा, जिनके रिव्यूज रहते हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये नंबरिंग वाइज नहीं है, लेकिन ये स्वीट फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मेरे कलेक्शन में पड़ी हुई हैं और मैं कभी भी किसी भी वक्त इनको लगा सकता हूँ। बहरहाल मोस्टली जो स्वीट फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो आप अमूमन सर्दियों के मौसम में ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कहा जाए तो सितंबर के बाद, अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में तो आप मई के एंड तक लगा सकते हैं। लिटरली यहाँ पे मई में भी बारिशें हो रही होती हैं, तो एक अच्छा वेदर रहता है, आप स्वीट फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं। सख्त गर्मी में आप अगर स्वीट फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो आपको तंग कर सकती है, ये फॉर श्योर है। तो जो तो लोग रहते हैं ना गर्मी वाले इलाकों में, तो उनके लिए तो स्वीट फ्रेग्रेंसेस लगा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। कुछ लोग बिल्कुल एसी वाले माहौल में रहते हैं तो उनके लिए स्वीट फ्रेग्रेंसेस लगाना ऐसा जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहरहाल चलते हैं हम अपनी लिस्ट की तरफ। तो ये मेरी एक कलेक्शन में पड़ी हुई थी, स्ट्रॉन्गर विद यू फ्रॉम द हाउस ऑफ एम्पीरियो अरमानी। ये आप देख सकते हैं एम्पीरियो अरमानी की स्ट्रॉन्गर विद यू, ये इसका ईडीटी वर्जन है, ईडीटी वर्जन। ये काफी ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस है, बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर मुकम्मल रिव्यू अगर नहीं है चैनल पर तो आ जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त स्वीट फ्रेग्रेंस है, विंटर्स की फ्रेग्रेंस है। मुझे नहीं लगता कि इसको जो है ना आप गर्मियों में लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है और वार्म स्वीट टाइप है, तो इसको आप गर्मियों में तो नहीं, बहरहाल ये सर्दियों में लगाया जा सकता है इसको। ओके, एक और फ्रेग्रेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और मेरे ख्याल में सर्दियों के मौसम में ही लगाया जा सकता है उसको, वो ये है थॉमस कुसमाला नंबर 4। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिजेंबल करती है बकरत रूश 540 से, MFK का जो है, करती होगी, करती है, वट एवर जो भी है, मैं इसका मुकम्मल एक रिव्यू बना दूंगा। बट मुझे ये परफ्यूम्स द मार्ली का जो कलान है, कलान, ये उसके ज्यादा क्लोज लगती है, ठीक है, ये उसके ज्यादा क्लोज लगती है। ये है थॉमस कुसमाला नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इनमें से किसी परफ्यूम की लॉन्गजीविटी का प्रॉब्लम नहीं है। इसकी प्राइस लगभग 13-14 हज़ार रुपए के करीब है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा महंगा है, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रही। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, नीचे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसके अंदर मैं इनके प्राइसेस लिख दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्वीट फ्रेग्रेंस है। उसके बाद इस लिस्ट में मैं इंक्लूड करूंगा स्वीट फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट में अरमानी कोड प्रोफूमो को। ये जॉर्जियो अरमानी की है, अरमानी कोड प्रोफूमो, ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस है, बहुत जबरदस्त किस्म की स्वीट फ्रेग्रेंस है, जॉर्जियो अरमानी की है। लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन का कोई इसका इशू नहीं है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में आप इसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं, बट मैं फिर कहूंगा स्वीट फ्रेग्रेंस है, आप इसको सर्दियों में लगाएं। बहरहाल फॉर मी इट्स ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, मैं इसको कभी भी किसी भी वक्त लगा सकता हूँ। इसकी प्राइस लगभग 13 हज़ार रुपये के करीब होगी, 13 हज़ार या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाती है। ओके, उसके बाद हम आते हैं ये स्वीट
एंड थोड़ी सी वार्म स्वीट है, और जहां तक मेरा ख्याल है कि ये टोटल टोटल सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की फ्रेग्रेंस है। ये है मर्सिडीज मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक, ये इसका पीछे नाम लिखा हुआ है, और ये इसकी बॉटल है। ये इसका टेस्टर मुझे मिल रहा था, अच्छी डील मिल रही थी, मैंने इसका टेस्टर उठा लिया। तो ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ये इसकी फ्रंट बॉटल है। इसका जो ये स्प्रेयर है ना, वो बड़ा यूनिक सा है, यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ से इसका वो जूस निकलता है। बड़ी प्यारी बॉटल है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है। इसके ऊपर रिव्यू बना लेंगे रिलैक्स बना लेंगे। तो ये है हमारा मर्सिडीज बेंज का क्लब ब्लैक, प्राइसेस में नीचे मेंशन करता जाऊंगा। ओके, स्वीट फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है वो है अरेबियन ऊद का असील, जबरदस्त बहुत स्वीट है, कैरमल एंड ऊद बेस्ड। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक रिव्यू, एंड दिस इज माय सेंट ऑफ द डे। ओके, ये अरेबियन ऊद का असील है, दिस इज माय सेंट ऑफ द डे। अच्छी काफी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, स्वीट फ्रेग्रेंस है, और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ऊद है इसमें, मैं तो इसको ऑल सीजन लगा सकता हूँ। ऊद अगर आपको पसंद हो तो आप ऑल सीजन लगा सकते हैं। तो इसका जो स्वीटनेस है वो भी बड़ी बैलेंस किस्म की स्वीटनेस है, आप इसको सर्दियों गर्मियों मेरे ख्याल में इसको दोनों में लगा सकते हैं, बट ऊद एंड कैरेमल की वजह से आप इसको ज्यादातर सर्दियों में ही प्रेफर करेंगे। इसके ऊपर मुकम्मल रिव्यू कर लेंगे। एक फ्रेग्रेंस जो इस्तेमाल कर करके लिटरली मैंने खत्म कर दी वो है ये वर्साची की इरोस, ये भी एक स्वीट फ्रेग्रेंस है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। ये पुराना बैच है मेरे पास, 2018 बैच है, लॉन्ग लास्टिंग है काफी ज्यादा। मैंने सुना है कि जो वर्साची इरोस के जो नए बैचेस आ रहे हैं उनकी लॉन्गजेविटी का थोड़ा सा इशू है, वो रिफॉर्मुलेट हुए हैं, थोड़ी जूस डाउन किया है उनको। बहरहाल इसमें लॉन्गजेविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप इसको सर्दियों में लगाएं आपको अच्छी लॉन्गजेविटी भी देगा, प्रोजेक्शन भी देगा। और दिस इज एक्चुअली ईडीटी वर्जन, ईडीटी ठीक है। ईडीपी जो है ना वो पॉलिश्ड है, वो स्वीट में नहीं आता, फिर वो पाउडरी स्वीट में आ जाता है, ये बहुत ज्यादा स्वीट है उसके लिहाज से। तो वर्साची इरोस। उसके बाद हम आते हैं एक अनयूजुअल फ्रेग्रेंस की तरफ, ये स्वीट भी है और टोबैको बेस्ड भी है, और ये है मंसेरा की रेड टोबैको। ये आप देख सकते हैं मंसेरा की रेड टोबैको, ये भी स्वीट है और टोबैको बेस्ड है। इसका जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट और कमाल का ड्राई डाउन है इसका, गुरमोंडिश टाइप है इसका। तो ये हमारी मंसेरा की रेड टोबैको। ओके, द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि थोड़ी सी सस्ती है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये रिसेंटली मेरे हाथ लगी, वो है पाको रबान की अल्ट्रा वायलेट मैन। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं से ये फ्रेग्रेंस मिले आप हारिस से पता कर लें, अगर आप लोगों को कहीं से ये फ्रेग्रेंस मिले, मुझे तो बहरहाल गिफ्ट मिली, अगर आप लोगों को कहीं से ये फ्रेग्रेंस मिले तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, गुमोंडिश, स्वीट गुमोंडिश टाइप फ्रेग्रेंस है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ओके, द नेक्स्ट स्वीट फ्रेग्रेंस इज दिस जॉन पॉल गुलचेर का लिमॉल। इट्स नॉट अल्ट्रा मेल, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये अल्ट्रा मेल नहीं है, अल्ट्रा मेल की बॉटल जो है वो थोड़ी सी ब्लैक है, ठीक है। दिस इज लिमॉल, ये पुराना वर्जन है 1995 का। तो दिस वन इज फैंटास्टिक, बहुत स्वीट और बहुत जबरदस्त। इसकी वीडियो में मैंने बताया है कि मुझे स्टार्ट में ये सर में बहुत ज्यादा दर्द करती थी, लेकिन अब ये इसके साथ एडजस्ट हो गया है मेरा काम, और मुझे अब ये सर में दर्द नहीं करती। बहुत ही जबरदस्त स्वीट किस्म की ये फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट स्वीट फ्रेग्रेंस जिसके बारे में जो हर बंदे के पास होती है भाई, हर तकरीबन जो खुशबुओं का शौकीन है ना, वो ये खुशबू हमें हमारे बहुत सारे यूट्यूबर ने ना रिव्यू कर 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 करके इसका नाम ले 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 के ना हमें लिटरली मजबूर कर दिया कि भाई और कोई खुशबू लो ना लो, ये जरूर लेना। तो ये मेरी कलेक्शन में एक स्वीट फ्रेग्रेंस ये भी है, ये है ईव सेंट लॉरेंट की लनोई दे लोम। ये आप देख सकते हैं, इसका जो लेवल आप देख सकते हैं, लेवल बड़ा यूज कर करके, ईव सेंट लॉरेंट YSL की लनोई दे लोम, ये भी बहुत ही जबरदस्त स्वीट किस्म की फ्रेग्रेंस है। न्यू बैचेस की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि आप इसको रीअप्लाई कर लें, ठीक है। सेम इसी तरह की स्वीट और लॉन्गजीविटी प्रॉब्लम के साथ, बट आई वुड से कि अगर आपको ये चीज पसंद आ जाती है तो आप इसको रीअप्लाई कर लें। ओके, और वो है डोल्चे & गबाना द वन विद द परफॉर्म कंसंट्रेशन। ये डोल्चे & गबाना, ये 150 ml है, बहरहाल मेरे पास 2016 बैच है, ठीक है। मुझे ये गिफ्ट दिया था अहमद महमूद भाई ने, और मैंने इसको ठीक ठाक लगा के ना, मुझे ये वाला जो पुराना बैच है ना, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताता चलूं, देखें
अब पुराने बैचेस मिलना बड़ा ही मुश्किल है। आप लोग नए बैचेस के साथ अब कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, उनको लगाना सीखें, बजाय इसके कि अदील ने अगर कह दिया कि ये बहुत ज़बरदस्त बैच है तो भाई ये मेरे पास है, आप लोगों को ये शायद ना मिले। 5 साल पुरानी बॉटल आपको कहाँ से मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल कहीं से मिलेगी। मार्केट में बैचेस आते हैं, ख़त्म होते हैं तो कंपनी नए बैचेस प्रोड्यूस करती है ना। तो यदि परफॉर्म आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो और इस लिस्ट में जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा महंगी फ्रेगरेंस है, सबसे ज़्यादा महंगी फ्रेगरेंस, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, तो वो यह है निशाने की अनी। ये 100 ml की बॉटल थी, आप देखें कितनी इस्तेमाल की मैंने। निशाने अनी, तो ये इनमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। मैं अब आप लोगों को एक एडिशनल स्वीट फ्रेगरेंस बताता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, मेरे परफ्यूम गिरने लगे थे, बहुत ज़्यादा सस्ती है। वो है ये मुखलत अबेज, इसका नाम है। ये अतर फॉर्म में है, ऑयल फॉर्म में है, आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्वीट फ्रेगरेंस है। जब आप मतलब ये बजट, आप कह रहे हैं बजट फ्रेगरेंस है, ये 12 ml आपको मिल जाएगी 1200 rupees की। यस, 1200 rupees की, तो 1200 rupees में। ये तो छोटी 3 ml की बॉटल है, 12 ml थोड़ी बड़ी बॉटल होती है, तो आप डेली भी लगाएं तो कम से कम 2 माह लगा सकते हैं आप। तो 1200 rupees में 2 माह एक अच्छी ऑप्शन है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये मैंने कहा मैं ये भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये मैं भी लगाना पसंद करता हूँ। ये देखें मैंने इसको लगाया है, मैं इसको बहुत दफ़ा लगा चुका हूँ, इसको मैं लगाता हूँ खूब करके, इसको मैं इंजॉय करता हूँ। मुखलत अबेज, ये अहमद महमूद साहब से मैंने ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। सस्ते में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे स्वीट, और एंड पे जाके थोड़ा सा ऊद का टच। बहरहाल मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल रिव्यू भी बना दूंगा। तो ये थी मेरी स्वीट फ्रेगरेंसेस की कलेक्शन। मैं नहीं कहूँगा कि top 10 स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं नहीं कहूँगा कि द स्वीट फ्रेगरेंसेज विच विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि ये वो स्वीट फ्रेगरेंस हैं जो कि मेरे पास हैं, मेरी जो कलेक्शन है वो बढ़ भी सकती है स्वीट फ्रेगरेंसेज में, तो अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा उस लिहाज से। तो फिलहाल तक मेरी कलेक्शन में जो स्वीट फ्रेगरेंसेज थी वो ये थी। तो ये मेरे जहन में बैठे बैठे एक आइडिया है, मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं। तो ये थी मेरी तमाम की तमाम स्वीट फ्रेगरेंसेस। थैंक यू सो मच।